30/12/2009 को लड़की बनाई, और उसके बाद वो कभी मेरे बेटे विश्वास के पास कभी नहीं आई, कभी नहीं आई हमारे घर। हनीप्रीत का स्वभाव हमारे घर में रहती थी बिल्कुल ठीक था। हमारे रिश्तेदार ये कहते थे यार बहू हो तो ऐसी हो, बहुत अच्छी बहू है। कभी किसी ने कुछ ना, उसने कभी किसी का, सबकी इज्जत करती थी। 30/12/2009 को लड़की बनाई, और उसके बाद वो कभी मेरे बेटे विश्वास के पास कभी नहीं आई, कभी नहीं आई हमारे घर, और बाबा के पास ही रहती थी गुफा में 24 घंटे। हमारे घर रहती थी बिल्कुल ठीक थी, हमारे डेरा हमारे साथ जाती थी। जो भी आरोप मैंने लगाए थे वो सब निराधार और झूठे थे। मैं आप जी से हाथ जोड़कर अपने परिवार की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ये सच है कि आप जी ने हनीप्रीत को हमेशा अपनी धर्म बेटी बनाया और समझा। माफ़ी इसलिए मांगी कि इसने हमारे 5 केस डाले मेरे खिलाफ, तो उसको दाग को धोना चाहता था भी। एमपी गुप्ता ही माफ़ी मांगे, इसलिए मेरे पे केस डाले गए सारे, ताकि मैं माफ़ी मांगूं और ये दाग क्लियर हो जाए। 15 दिन मेरा बेटा जेल में रहा, पटियाला जेल में, उस केस के अंदर जमानत नहीं होने दी इन्होंने। डेफेमेशन ऑफ पंजाब वाले केस में चेक बाउंस में, तो 420-406 का केस डलवा दिया। उसमें जब वहाँ पहुँच गया तो वहाँ पर उन्होंने क्या काम किया, बाबा ने, वो पटियाला जेल में थे, तो पटियाला जेल में खास कर उन्होंने हमारे को बच्चे को अपना बंदा ढूंढा, वहाँ डलवाया जेल में, डेरे ने पैसा भेजा और 10 लाख रुपया एक लड़को दिया इसको मारने के लिए। विश्वास को जेल में मार दो, आप कहोगे क्यों जेल के लिए मारा, क्योंकि उसको पता था जेल में अगर मरा दिया बाबा का नाम नहीं आएगा। मैंने जेल सुप्रीम को कहा आप कृपा करके इसको कैद में ऐसी जगह कर दिए जहाँ ये दूसरे आदमी मार ना सके, इसको मारेगा जरूर बाबा इसको। नहीं, किसी को भी कोई शक नहीं था, जिनको पता था वो साध्वियों को पता था, जो वहाँ टीचर थी उनको पता था, पर हम साधु लेडीज से और जेंट्स का वहाँ कोई कनेक्शन नहीं था आपस में। और हम सत्संग छोड़ के अपने घर चले गए सारी साथ संगत, इसलिए उनको पता लगना सवाली बात होता है रात को क्या होता है, गुफा में क्या होता है, कौन जानता है, कैसे जान सकता है कोई, ये तो कंसर्न ही जानेगा ना जिसके साथ बीती है। मैं भी वहीं था, कोई विश्वास नहीं करता था, कहते ये झूठ है, किसी ने ऐसे इनको फंसाने के लिए कर दिया होगा। और ये भी स्टेज पर बैठ के आम बोलता था, शरेआम बोलता था, कहते हैं हम तो हमारे तो 3 नियम हैं, जब नाम देते हैं तो अंडा मांस शराब नहीं खाना, और पराई औरत को माँ बहन बेटी समान समझना, हम ये कैसे कर सकते हैं, ये झूठ बोलते हैं। ये माफिया का नाम लगाता है, शराब माफिया पर फेंक देता था, शराब माफिया हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वो कास्टेशन क्यों हुई, उसका कारण ये है कि उसके बाबा के वहाँ पे डेरे के अंदर उसकी 2 लड़कियाँ मैरिड रहती हैं, उनका अपना अलग मकान है, और एक उसका बेटा जसमीत रहता है, वो शादीशुदा है, तो 3 शादीशुदा बच्चे हैं। तो उसमें वहाँ पे हर एक आदमी के पीछे एक साधवी दी हुई थी, इसी प्रकार 24 घंटे का पहरा था और वहाँ 8-8 घंटे की ड्यूटी थी, और इस प्रकार वहाँ पे कम से कम 10-10 साधु लड़के थे डेरे के। उसको ये डर था कहीं ये साधु लड़के इन लड़कियों के साथ गड़बड़ ना कर दें, सेक्स ना कर दें, और ये प्रेगनेंट ना हो जाए, तो इसने कटवाए। उसका कारण ये है कि उसने उनको बिल्कुल इंपॉर्टेंट कर दिया, ताकि अपने घर ना जा सके, इनकी शादी ना हो सके, और वो अपनी जब तक जिए तो डेरे के अंदर ही साधु बने रहे। अब ये साधु क्या है, ये बिना पैसे के नौकर हैं, एक इनको कपड़ा देते हैं हम और एक इनको खाना देते हैं। तो खाने में ये मेरी पर्सनल बात ही है बाबा, क्या खाने में और कपड़े में कोई आदमी साधु मजदूर मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। इसलिए जब वो कास्टेशन कर दी, वो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकते, तो वो फिर घर जा ही नहीं सकते। 20-20 आदमियों को ले जाते थे डेरे के प्रबंधक, बता के ले जाते थे, कोई ना तो कर ही नहीं सकता वहाँ। प्रॉब्लम ये है उनकी हिम्मत ही नहीं है, उसको डेरे से निकाल देंगे या किसको मार देंगे, पिटाई कर देंगे, गरीब आदमी रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा। जितने भी चीफ मिनिस्टर पंजाब के, तीनों चीफ मिनिस्टर को, जैसे बादल जी थे और उसके बाद अपना कैप्टन साहब है, और तीसरा जो है वहाँ पे भट्टल जी हुई है लेडी चीफ मिनिस्टर, तीनों तो वो आते थे। हरियाणा के जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए, बंसी लाल जी, भजन लाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी,
हैं। एक तो इसने ये ऑर्डर इशू किया कि जितने भी संगत है वो 15% अपनी कमाई का साल का वो डेरे में जमा कराएगी। एक वो थिएटर बनाया इसने, उस थिएटर के अंदर 1,00,000 रुपये तक की टिकट थी, तो मेन आदमियों को पिक्चर में जहाँ बैठता था, खुद बैठता था साथ में, तो 1,00,000 रुपये तक की मैक्सिमम टिकट थी। जो डेरे के बाबा जी के पास बैठता था उसको 1,00,000 रुपये टिकट देते थे। 10 फैक्ट्रियाँ डेरे के अंदर, 3 फैक्ट्री शुरू में लगी थी, वो मैंने लगाई थी।